लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर नून लीग के कारकुनों की हंगामा आराई, अंदर जाने से रोकने पर कारकुनों के पुलिस को धक्के, कारकुनों की गो न्याजी गो किनाराबाजी, एहलकारों का मुजाहरीन पर लाठीचार्ज, मुतअद्दिद गिरफ्तार, मरियम औरंगजेब का कारकुनों को फौरी रिहा करने का मुतालिबा। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार शहबाज शरीफ लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश, नैब की शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, पुलिस ने गैर मुतालिका वकला को अदालत जाने से रोक दिया, मरियम औरंगजेब अंडों का क्रेट लेकर पहुंच गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों के केस की समाअत, तहकीकती रिपोर्ट जमा कराने पर चीफ जस्टिस बरहम, 3 दिन में जवाब तलब, FBI ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, 1.5 माह गुजर गया कुछ नहीं किया गया, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, मेमरान लैंड रेवेन्यू हबीबुल्ला को मुअत्तल कर दिया। एहतसाब अदालत में अलजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अदालत में पेश, बाकी 4 सवालों के जवाबात जमा कराएंगे, फौजा हारिस के हतमी दलाइल मुकम्मल होने का इम्कान। सूबाई वजीर सिंध सईद मनी का कहना है कि पाकिस्तान मदीना जैसी रियासत बन गया तो इमरान खान का क्या होगा, सारियान की फरियाद पर इमरान को कोड़े लगेंगे, गरीबों का चंदा चोरी करने के जुर्म में जेल जाएंगे, चोरी के जुर्म में इमरान खान के हाथ भी काटे जा सकते हैं, अमरीका में सीता वाइट का मुकदमा, इमरान खान का मुंतजर है। वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, वजीर आजम इमरान खान वजरा की कारकर्दगी का जायजा लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान को पूरी सूबा बनाए जाने की समझौती पेश की जाएगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ कपूर आज न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे, न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहर 3 बजे होगी। कराची में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन आज, सदर और मुल्हिका इलाकों में कार्रवाई की तैयारी, KMC के एहलकार ऑपरेशन के लिए अलर्ट।